नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक मिनट में बेस्ट स्टॉक को सिलेक्ट करके फिर उसमें ट्रेडिंग करके सेफली रोजाना अच्छे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक गजब की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कोई नहीं बताएगा, और इसके साथ साथ इंट्राडे के रिलेटिव बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे मेरी सीक्रेट वेबसाइट से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक मिनट में बेस्ट स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें, स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, स्टॉप लॉस लगाकर कौन से पॉइंट पर मैं बाय और सेल के ट्रेड लेता हूं, वो भी मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, कैसे मैं रिस्क को मैनेज करके सेफली अच्छे प्रॉफिट कमाता हूं, हमें कौन से रूल सिस्टम और इंडिकेटर्स को फॉलो करना, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किन किन बातों को ध्यान में रखना, इन सारे सवालों के जवाब एग्जाम्पल के साथ में स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में आपको इस एक ही वीडियो में एंड तक मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू फोकस करके जरूर देखना, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है यह मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपको एक दिन में किसी भी स्टॉक में बाय और सेल के दोनों ट्रेड को मार्केट हावर में कंप्लीट कर देना ही होता है। फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आप अपनी पोजीशन को अगले दिन कैरी नहीं कर सकते हो, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग या पोजीशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो हमने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज बना रखे हैं, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। प्लीज आप ये सारे वीडियोज देख कर ही ट्रेडिंग स्टार्ट करना, वरना आपको भारी लॉस भी उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपना स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक मिनट में बेस्ट स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं वो सीक्रेट ट्रिक बता देता हूं। उसके लिए आपको गूगल पर एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है चार्ट इंक। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मुझे ये वेबसाइट यूजफुल लगती है इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। फिर इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तब इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर स्किनर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर मार्केट खुलने के बाद 9:20 पर यहाँ पर ओपन लो सेम निफ्टी 200 लिख कर सर्च का बटन दबा देंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में कुछ दिन निफ्टी 200 की जगह ओनली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही काम करें। इसलिए यदि आप चाहो तो निफ्टी 200 की जगह निफ्टी 50 भी लिख सकते हो, यह आपके लिए थोड़ा सेफ रहेगा। उसके बाद सर्च का बटन दबा देंगे, तब यहाँ पर नीचे कुछ फाइल्स नजर आएगी, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने निफ्टी 50 या निफ्टी 200 के वो सारे स्टॉक्स फिल्टर होकर आ जाएंगे जिन स्टॉक्स का ओपन और लो उस समय सेम हो या फिर इक्वल हो, जो कि आपको इस पेज पर नजर आ रहा है। वैसे मैंने निफ्टी 200 के स्टॉक्स को सर्च किया है। तो दोस्तों, सच बताना है ना कमाल का फिल्टर, हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और हमारे सामने सिर्फ एक मिनट में ही इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक्स फिल्टर होकर आ गए जैसा कि हम चाहते थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मिनिमम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में चारों तरफ शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी भी व्यक्ति का स्टॉक मार्केट में लॉस होने से बच जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 5 या 10 कितने भी स्टॉक्स फिल्टर होकर निकल सकते हैं, लेकिन आपको उनमें से ओनली 3 स्टॉक्स को ही पिक करना है जो कि आपको अच्छे लग रहे हैं और जिनमें अभी तक ज्यादा तेजी भी नहीं आई है। उन तीनों स्टॉक्स पर नजर रखेंगे और उन तीनों स्टॉक्स को अपनी सेपरेट वॉचलिस्ट में सेव कर लेंगे। वैसे लकीली आज हमारे सामने 3 ही स्टॉक्स निकल कर आए हैं और वो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। इन तीनों स्टॉक्स को सेपरेट वॉचलिस्ट में 9:30 से पहले तक सेव कर लेंगे। अब इन तीनों स्टॉक्स को इंट्राडे प्लेटफॉर्म पर बाय कर लेंगे, जहां पर आपका ब्रोकर आपको आपके अमाउंट के 5 गुना अधिक तक मार्जिन भी आपको प्रोवाइड करता है। मतलब यदि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं तो आप इंट्राडे प्लेटफॉर्म पर 50,000 रुपए तक के शेयर इंट्राडे के लिए खरीद सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि उस दिन आपको 3:15 तक अपनी इंट्राडे की सारी पोजीशन को क्लोज करना होगा, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वरना बाद में 3:20 पर आपका ब्रोकर पेनल्टी लगाकर आपकी उन सारी पोजीशन को ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा। यह बात आप हमेशा याद रखना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में हमारी मेहनत नजर आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना,
क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन डबल हो जाता है। चलो अब इन तीनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक को हम चार्ट पर एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं, जिससे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर आप वही स्ट्रेटजी बाकी के इन दोनों स्टॉक्स में लगाकर इजीली ट्रेड ले सकते हैं। और साथ में मैं आपको बाय, सेल और स्टॉप लॉस के पॉइंट भी बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से इंट्राडे के लिए ट्रेड ले पाएंगे। एग्जांपल के लिए HCL के स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तब इस पेज पर आपको उसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। स्टॉक का ओपन और लो हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम होगा और यह आज का हाई है। फिर चार्ट पर क्लिक करके ओपन करेंगे, फिर यहाँ FX बटन पर क्लिक करके वॉल्यूम और स्टॉकस्टिक इंडिकेटर को सर्च करके लगा देंगे। स्टॉकस्टिक इंडिकेटर चार्ट के नीचे RSI की तरह लग जाएगा। दोस्तों यदि आप सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने इंडिकेटर के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। प्लीज आप वो सारे वीडियो जरूर देख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर इंट्राडे के अकॉर्डिंग स्टॉकस्टिक इंडिकेटर की थोड़ी सेटिंग चेंज करनी होगी। उसके लिए FX बटन पर क्लिक करके स्टॉकस्टिक इंडिकेटर का सेटिंग का पेज ओपन करेंगे। फिर इनपुट में फर्स्ट लाइन में 5, सेकेंड लाइन में 3 और थर्ड लाइन में अगेन 3 सेट कर देंगे। फिर स्टाइल में जाकर कलर को सेट कर देंगे। यह इंडिकेटर नॉर्मली 20 से 80 के बीच में ऑसिलेटर के रूप में चलता रहता है। यह इंडिकेटर इंट्राडे के लिए बेस्ट इंडिकेटर है और मैं नॉर्मली 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग ही इंट्राडे में पोजीशन बनाता हूँ। यहाँ पर 9:15 पर 1480 रुपए के आसपास स्टॉक ओपन होता है, फिर वहीं पर लो बनाकर स्टॉक ऊपर भाग जाता है। मतलब यह फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल लगभग एक बुलिश मारू बोजू की कैंडल बनती है। दोस्तों यदि आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। आप प्लीज वो सारे वीडियोस देखकर कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझ लेना। अब इस बुलिश मारू बोजू कैंडल के बाद में फर्स्ट बड़ी जो रेड कैंडल बनेगी, हमें वहां पर मौका देखकर बाय की पोजीशन बनानी है और लो के 2 रुपए नीचे यानी कि 1478 रुपए पर हमें हमारा स्टॉप लॉस लगाना है, जिसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फिर उसके बाद बाइंग प्राइस से लगभग 1% ऊपर, यानी कि यदि आपने HCL का स्टॉक 1490 रुपए में खरीदा है तो अब यहाँ से 15 रुपए ऊपर मतलब 1505 रुपए पर आपका टारगेट होगा और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक को सेल कर देंगे और अपनी इंट्राडे की पोजीशन से बाहर निकल जाओ। यहाँ पर हमें अपने इमोशन, फियर और ग्रिड पर पूरा कंट्रोल रखना है। यदि आप मार्केट में कंप्लीट एक्टिव नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग के 1 घंटे में बाय, सेल और स्टॉप लॉस की एडवांस फीडिंग लगाकर भी छोड़ सकते हो। फिर लास्ट के 1 घंटे में अपनी इंट्राडे की पोजीशन को वापस चेक कर सकते हो। तब तक या तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर दोनों ही हिट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप मौका देखकर अपनी इंट्राडे की पोजीशन से बाहर निकल जाओगे, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर दोगे। यदि आप मार्केट में फुल एक्टिव रह सकते हो तो फिर आप इंट्राडे में स्टॉकस्टिक इंडिकेटर की हेल्प से बार बार बाय और सेल के ट्रेड लेकर छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कैसे, चलो मैं आपको फुल चार्ट पर यह समझा देता हूँ। वैसे दोस्तों स्टॉकस्टिक इंडिकेटर का सक्सेस रेशियो 60% तक करेक्ट है और यह इंडिकेटर हमें बाय और सेल के पॉइंट भी बता देता है। यह इंडिकेटर नॉर्मली 20 से 80 के बीच में ऑसिलेटर के रूप में चलता रहता है। जब 20 के आसपास इस इंडिकेटर की लाइन आती है तो इसका मतलब स्टॉक अब ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से तेजी आ सकती है। और जब इंडिकेटर की लाइन 80 के आसपास आती है तो इसका मतलब स्टॉक अब ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से कभी भी नीचे गिर सकता है। जब ब्लू वाली लाइन 20 के आसपास आकर ऑरेंज वाली लाइन को नीचे से काटते हुए ऊपर जाती है तो उस पॉइंट पर हमें स्टॉक को बाय करना है। और जब ब्लू वाली लाइन 80 के आसपास आकर ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर से काटते हुए नीचे आती है तो उस पॉइंट पर हमें स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना है। और हाँ, साथ में वॉल्यूम को भी चेक करते रहना। इस स्टॉक में हमें पूरे दिन में टोटल 2 बार यहाँ पर खरीदने का मौका मिला, फिर यहाँ पर सेल करके हमने शानदार प्रॉफिट कमाया। लेकिन कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, स्टॉप लॉस को हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। याद रखना दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में इंट्राडे के लिए ओनली 3 पोजीशन ही बनानी है, इससे ज्यादा पोजीशन अभी नहीं बनानी है। फिर जब एक्सपीरियंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए
तब आप ज्यादा पोजीशन बना सकते हैं। और हाँ, जिस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए उस दिन उस स्टॉक में वापस इंट्राडे के लिए कोई भी पोजीशन नहीं बनानी। अनलकीली अगर तीनों स्टॉक्स में उस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उस दिन शांति से बैठ जाना है, आगे इंट्राडे के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, फिर अगले दिन फ्रेश माइंड के साथ मार्केट में उतरना है। आई होप आपको इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस प्रकार हमें ट्रेडिंग से कभी प्रॉफिट मिलेगा तो कभी लॉस मिलेगा, लेकिन हमें अपनी हर गलती से सबक सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।